नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे उन महान भक्तों की कहानियां जिन्होंने अपने अनमोल भक्ति और प्रेम से भगवान विष्णु को अपने जीवन का आधार बनाया। यह कहानियां न केवल हमारे हृदय को छुएंगी, बल्कि हमें भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देंगी। भगवान और भक्त दिव्य प्रेम से बंधे एक रूप में प्रकट होते हैं। उनकी एकता दिलों के अनंत नृत्य में चिरकाल तक जुड़ी रहती है, जैसे दीपक और उसकी लौ अलग नहीं पहचाने जाते। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्वितीय यात्रा को और डूब जाते हैं भगवान विष्णु की भक्तों की अद्भुत दुनिया में। भक्त कुंभारा घोर कुंभार 17वीं शताब्दी के एक मशहूर कुम्हार थे। वे भगवान पांडुरंग के प्रति अपनी भक्ति और सुंदर मृद भांडों के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब वे अपने भट्टी में काम कर रहे थे, उन्हें भगवान पांडुरंग का दर्शन हुआ। भगवान पांडुरंग चाहते थे कि भक्त कुंभार केवल भगवान पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने जीवन को अपनी दो पत्नियों के साथ सामान्य रूप से जारी रखें। पांडुरंग ने कुंभार के घर में नौकर के रूप में काम किया, ताकि उनके कार्यों में उनका समर्थन कर सकें। यह कितना अद्भुत है कि ब्रह्मांड के स्वामी अपने भक्त के घर में केवल थोड़े से प्रेम के लिए दास के रूप में काम करते हैं। कुंभाराच्या चाकावर हाथी मृत्यु का घेवनी, माज्या देवारे खड़वूनी, भांडे माझे साजिरे, भक्तिच्या भट्टीत तापूनी पांडुरंग तुज्या कृपेचा रंग चढ़वीन सजीवाणी। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और संत थे। वे भगवान राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने कई भक्ति कविताएं लिखीं, जिनमें प्रसिद्ध रामचरितमानस भी शामिल है। उनकी कविताओं की सुंदरता और उनकी भक्ति को जागृत करने की क्षमता के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है। तुलसीदास भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति के महत्व को जोर दिया। तुलसीराम की भक्ति में लीन, कविता के सागर, रसिकों का प्यार अमरीन। एक घटना के अनुसार, जब तुलसीदास जी संकट में थे, तब स्वयं हनुमान जी ने उनकी सहायता की थी। उनकी भक्ति के कारण भगवान राम और हनुमान जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रही। तुलसीदास 1623 में भगवान में लीन हो गए। संत तुकाराम। भक्त तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक भारतीय संत और कवि थे, जो अपनी भक्ति कविताओं और भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते। वे भगवान विट्ठल के परम भक्त थे और अपने भक्ति गीतों के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्हें अभंग कहा जाता है। एक बार संत तुकाराम ने अपने सभी अभंगों को इंद्रायणी नदी में फेंक दिया, लेकिन भगवान विट्ठल की कृपा से वे सभी अभंग सुरक्षित वापस आ गए। यह घटना उनकी भक्ति और भगवान विट्ठल की अपार कृपा का प्रतीक मानी जाती है। संत तुकाराम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं नारायण उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आए और वे मनुष्य देह लेकर हरि में समा गए। भजे विठोबा मन की शांति पावे, प्रेम भक्ति के रस में आत्मा तरंगित हो जावे। ध्रुव। प्राचीन काल में एक बालक ध्रुव का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में ही उन्होंने भगवान विष्णु की अपार भक्ति की और कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिए और उसे अटल ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। आज भी आकाश में ध्रुव तारा उसी भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक बनकर चमकता है। ध्रुव की कथा भारतीय पुराणों में उल्लेखित है, लेकिन उनके जीवन की तिथियां स्पष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे एक पौराणिक पात्र हैं, मीराबाई। राजस्थान के मेड़ता में जन्मी मीराबाई का जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था। उनका प्रिय देवता भगवान कृष्ण था और उन्होंने अपनी आराधना में अनेकों सुंदर पदों की रचना की, जिन्हें मीरा के पद कहा जाता है। एक बार मीराबाई को उनके विरोधियों ने विष का प्याला दिया, लेकिन उनकी अपार भक्ति और भगवान कृष्ण की कृपा से वह विष का प्रभाव उन पर नहीं हुआ और मीराबाई को कोई हानि नहीं हुई। श्री कृष्ण के भक्तों में विष भी मीठा होता है। सन 1547 में मीराबाई भगवान में लीन हो गईं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम का
हमारे जीवन में कितना महत्व है। इन महान भक्तों ने धर्म और साहित्य को एक नई दिशा दी और हमें भी प्रेरित किया कि हम अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धर्म के इस मार्ग पर हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। पुंडलीक वरदे पांडुरंग हरि विठ्ठल, बांके बिहारी ठाकुर जी महाराज की जय, राधा रानी की जय, एकनाथ महाराज की जय, सब संतन की जय।